विज्ञान भैरव तंत्र में एक अद्वितीय मेधा छुपी है। आज हम इसके सातवें ध्यान तकनीक पर विचार करेंगे। माथे के मध्य अदृश्य श्वास के साथ जब यह हृदय तक पहुंचता है और स्वप्न में समाहित हो जाता है तो सपनों और मौत पर नियंत्रण हो जाता है। इस अद्वितीय तकनीक का समझने के लिए आपको स्वयं को तीसरी आंख की ओर केंद्रित करना होगा, जहां आप अपार शक्ति अनुभव कर सकते हैं। जब आप इस ऊर्जा को महसूस करते हैं तो आप सपनों मृत्यु पर नियंत्रण पा सकते हैं। हमारे मन का एक स्थान है जिसे हम तीसरी आंख कहते हैं। यहाँ हमें अदृश्य प्राण शक्ति का स्नान, प्रकाश की वर्षा का अनुभव होता है। जब ये प्राण हमारे हृदय तक पहुँचता है तो हमें सपनों और मृत्यु का नियंत्रण मिलता है। हमें श्वास में प्राण की सूक्ष्मता को महसूस करना हो, उसकी अदृश्य अमूर्त हिस्से को समझना हो, ये समझने का सबसे सरल तरीका है कि हमें अपनी तीसरी आंख पर केंद्रित होना हो। प्राण संसार से हमारे शरीर में प्रवेश करता है हमारी सांसों के माध्यम से। हमें प्राण की अदृश्यता को महसूस करना हो तभी हम अपने मृत्यु के समय का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। जीवन के अंतिम 6 महीने पहले प्राण की प्रक्रिया पलट जाती है। प्राण हमारे शरीर से बाहर की ओर जाना लगता है। जब हम स्वप्नों में जागरूक होते हैं तो हम स्वप्नों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। हम चाहे तो अपने सपने बना सकते हैं। हम चुन सकते हैं कि हमें कौन सा सपना देखना है और किस सपने को हम नहीं देखना चाहते। और जब हमें मृत्यु पर डर नहीं रहता तो हम मृत्यु पर भी नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। हम चुन सकते हैं कि हमें कहां, कब और किस रूप में पुनः जन्म लेना। इसलिए अगर हम स्वप्नों में जागरूक होते हैं तो हमें मृत्यु का भय नहीं होता, क्योंकि हमें पता होता है कि मृत्यु सिर्फ एक लंबी नींद है जो हमें नई जिंदगी देती है नए अनुभवों के साथ। हम सभी को अपने अदृश्य श्वास को एहसास करना होगा और उसे हृदय की ओर मार्गित करना होगा ताकि हम अपने स्वप्नों और मृत्यु पर नियंत्रण पा सकें। जब हम इस ऊर्जा को समझते हैं तो हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं, जीवन की सभी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। प्रणाम।